2 अक्टूबर को यूके एसएससी भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित तमाम भ्रष्टाचार को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने गुरुवार को नेटरी के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। टीरी पहुंचे उक्रांति के संरक्षक त्रिविंदर पवार ने कहा कि उत्तराखंड आज हमारी बहु बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। आज कुछ दरिंदों के कारण हमारा उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और मुख्यमंत्री लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड का क्या भविष्य होगा। वहीं केंद्रीय उपाध्यक्ष जय प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में हुए फर्जी भर्ती घोटाले सहित अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने को लेकर उक्रांद ने 2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है, जिसमें तमाम संगठन और व्यापार मंडल का सहयोग हमें चाहिए। प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी उर्मिला महर, जिला अध्यक्ष विजय पवार सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। को तो ये एहसास था कि 2002 के बाद जो राज्य बना और जो आज 22 साल हो गए हैं राज्य बने हुए, ये हमको एहसास था कि घोटाले के अलावा और इस राज्य इस सरकारों ने कुछ किया नहीं है, ना विकास किया है, ना नौजवानों को रोजगार मिला है, बल्कि उत्तराखंड की जनता को अपमानित करने की कोशिश पूरी सरकारों ने की है, चाहे भाजपा की सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है। आज भाजपा के शासनकाल में घटना घटी, उससे पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के टाइम पर भी, लेकिन दोनों दल जो है मिले हुए हैं और उत्तराखंड का अंदर इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भ्रष्टाचार हो या ये हमारी जो बेटी है जिसने अपनी कुर्बानी दी है इस राज्य के लिए, उसका सवाल हो, तो जब तक उन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होती तब तक उत्तराखंड का जो जनमानस है, जो 1,35,00,000 जो लोगों की भावनाएँ आहत हुई है, वो जो है उस पर जो है उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उनको तत्काल जो है 3 महीने के अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करें और उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। बल जोरदार विरोध रहेगा और 2 अक्टूबर को हमने बंद का आह्वान किया है, उसको सफल बनाने के लिए हमने व्यापारियों से और तमाम संगठनों से बातचीत चल रही है। भर्ती घोटाला दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रदेश में सारे विभागों में पैसे लेकर भर्ती की गई, अपने भाई भतीजाबाद हुआ है और अंकिता की कुर्बानी जो जिस तरीके से पहाड़ की लड़की, पहाड़ की जो जवानी है वो काम करना चाहती है और अपने प्रदेश से बाहर पलायन हो रहा है, तो ये प्रदेश सरकारों की नाकामी है। उत्तराखंड क्रांति दल अपने लोगों को सजग करने आया है और अपनी सरकार बनाएगा। ये उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के यहाँ पर से सरकार उखाड़ फेंकेगा। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।